हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना शिवपाल। सो लेट्स मेक किनुआ बिरयानी टुडे एंड किनुआ सोया बिरयानी। नाउ सबको ये पसंद है भाई, हेल्दी खाना और स्वादिष्ट हेल्दी खाना मिले तो मजा आ जाएगा। किनुआ वैसे भी सुपर फूड माना जाता है। कई लोगों को दिक्कत होती है किनुआ खरीदने में। अच्छा, किनुआ जब भी खरीदे ना, उसके पीछे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि वो कैसे पकाने के लिए आपको बोल रहे हैं। जनरली क्या होता है, एक रेड कलर का मिलता है, एक वाइट कलर का मिलता है। रेड कलर का ना पकाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत देर भिगो के रखना पड़ता है। दूसरी बात, उसे प्रेशर कुकर में बहुत पकाना पड़ता है, और ये जो वाइट वाला होता है इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसे जो सोक करके रखा मैंने लगभग एक घंटे तक, इसका पानी फेंक देते हैं। पानी फेंक दिया हमने, अब बड़ा सा बोल ले लेता हूँ, ये किनुआ इसमें डाल लेते हैं। इसमें पानी डाल लेंगे तो जितना किनुआ सोक किया हुआ है उसका डबल पानी डालें। नमक डाल लेते हैं इसमें, करिएगा टन 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 टन। और नाइफ लेते हैं, एक नींबू लेते हैं, आधा नींबू का रस। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं क्लिंग फिल्म, या आपके पास ऐसे माइक्रोवेव बोल है जिसका कवर है, लिड लगाइएगा। इसको मैं माइक्रोवेव में डाल देता हूँ लगभग 6-8 मिनट तक। ठीक है जी, ये लीजिए, लगभग 6 मिनट तक रखा है मैंने, और ये पूरा पानी जब सूख जाएगा तो समझ जाइए तैयार। अगर नहीं सूखा थोड़ी देर और पका लूंगा, तब तक मसाला बना लेते हैं सोया। चलिए, यहाँ डी में तेल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा हेल्दियर वर्जन ले रहा हूँ तेल का, ऑलिव ऑयल ले रहा हूँ। और तेल में प्याज डाल लेते हैं, 2 चॉप प्याज लेके मीडियम साइज वाले डाल लें, और इनको पकाएं अच्छे से, भूनिएगा। इनको समय लगेगा, 4-5 मिनट तक भूनिएगा। प्याज हल्के से ब्राउन होने लग गए हैं, और इनमें अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 1 मिनट तक भूनिए। उसके बाद इसमें टमाटर डाल लेते हैं, टमाटर डालने के बाद नमक डाल लेते हैं, और करिए टन 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 टन। आप लोग घर पे नाचिएगा प्लीज। ठीक है जी, और जो किनुआ माइक्रोवेव में पक रहा है उसे भी मैंने और बढ़ा दिया उसका टाइमिंग, ऑलमोस्ट टोटल 15 मिनट तक रखा है। पानी बॉयल हो रहा है और किनुआ जो है वो सॉफ्ट हो रहा है। तो पहले मैंने आपको 6 मिनट कहा था, मैंने आगे 9 मिनट और कर दिया है। लगभग 15 मिनट जो है लगेंगे इस किनुआ को, तब तक हमारी ये जो मिश्रण है ये भी तैयार हो जाएगा। चलिए, टमाटर पकाने के बाद अब मसाले डाल लेते हैं। धनिया पाउडर डाल लेता हूँ 1.5 बड़ा चम्मच। ठीक है जी, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, ये डाल लिया। गरम मसाला, यस, ये डालना है 1.5 छोटा चम्मच। सोया ना, ये जब आप बनाते हैं बिरयानी सोया डाल के, तो इसमें जो मसाले हैं थोड़े ज़्यादा डाले जाते हैं। इलायची पाउडर 1/4 छोटा चम्मच पहले डालेंगे, ये लीजिए। अदरक बारीक कटा हुआ 1 छोटा चम्मच, हरी मिर्चें 2-3 डालें, धनिया 1 बड़ा चम्मच चॉप करके डालें, पुदीना के पत्ते, डंठल जितने निकलते हैं निकाल दें, तो मिक्स कर लें। क्या बात है, वाह, भूने 3-4 मिनट तक। अब फाइनली इसको मैं बंद कर लेता हूं। लगभग 1 कप दही, सोया जो सोक्ड वाले हैं वो डालेंगे। ये बहुत छोटे छोटे मिनिएचर वाले हैं इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। लगभग 2 कप डालेंगे ये, ठीक है जी, ताकि आपको सोया मिले। सोक्ड वाले 2 कप, तो मैं मिक्स कर लेता हूँ।
वाह जी वाह, क्या बात है। इतने सुंदर लग रहे हैं, देखिए छोटे छोटे से क्यूट से लग रहे हैं। बहुत सही, एकदम बढ़िया। आधा नींबू का रस ये डाल लें, थोड़ा सा ब्राउन अनियन इस पे, थोड़ा सा केसर क्रश करके डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए, अब इसको मैं फुल फ्लेम पे रख लेता हूँ। केनवा जो है बढ़िया सॉफ्ट, एकदम मज़ेदार। इसको हम लेते हैं, थोड़ा सा जो पानी है वो निकाल देते हैं और इस पे बिछा देते हैं। बहुत बढ़िया, ये लीजिए थोड़े से पुदीना के पत्ते, ये मैं डाल लेता हूं ऊपर से। गरम मसाला ये छिड़क देते हैं ऊपर से, एक छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, ये लीजिए, और केसर जो है ये केसर इस पे डाल लेते हैं। वाह क्या बात, रोज वाटर ये थोड़ा डाल लिया, ये लीजिए पुदीना है ये भी डाल लेते हैं। फाइनली इस पे थोड़ा ब्राउन अनियन डाल लेते हैं, ये जी इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़रूरी। इसमें मैं घी नहीं डालूँगा, लेकिन हमने शुरुआत की थी थोड़ा ऑलिव ऑयल से, तो ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ज़रूर डाल लेता हूँ। ये लीजिए क्या बात, और इसको ढक के पकाना है, ठीक है जी। शुरुआत के 4-5 मिनट हाई फ्लेम पे रखिएगा, उसके बाद तवा नीचे लगाइए, लो फ्लेम पे पकने दीजिए ताकि सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और इमीडिएटली नहीं खोलना, किनवा बिरयानी इमीडिएटली नहीं खोली जाती, थोड़ी देर रखने दीजिए। मॉइस्चर जो किनवा है ना वो मॉइस्चर पूरा एब्जॉर्ब करेगा, जो सोया है वो भी पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद खोलिएगा फिर आएगा मज़ा। तो चलिए जी, हमारी बिरयानी को बढ़िया दम लग गया, किनवा बिरयानी वाह। ये देखिए अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगी वो मैं आपको बता दूँ। नंबर वन, किनवा खरीदते वक्त याद रखिएगा कि लाल वाला मत खरीदिएगा, सफ़ेद वाला खरीदिएगा। बैकपैक पढ़िए जिसमें लिखा होगा कितनी आसानी से आप किनवा पका सकते हो, एक तो वो। नंबर टू, जब भी आपने बिरयानी बनाई ऐसे तो किनवा को एकदम सॉफ्ट रखने के लिए आप क्या करेंगे, तभी आपको खाने मज़ा आएगा। अगर सॉफ्ट नहीं रखेंगे ना आप बोलेंगे कि यार ये मज़ा नहीं आया, तो इसलिए थोड़ा सॉफ्ट रखने के लिए पकाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। ये आप दाने देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, तो ये जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ दिखी ना, इसका मतलब किनवा बढ़िया पक गया है, दाना फूट गया है और बढ़िया तरीके से आप खा पाएंगे। अच्छा अब ये तो हो गया बढ़िया तरीके से खा पाएंगे, लेकिन एक चीज़ की दिक्कत आएगी आपको, वो क्या है, वो आपको लगेगा अरे यार ये मतलब खिचड़ी जैसे बन गई। तो इसलिए आप इसे खोल के थोड़ी समय तक रखेंगे, लेट इट कूल डाउन फॉर सम टाइम। अगर आपको वापस गर्म करना है, द सोल्यूशन इज माइक्रोवेव। और अगर आपको गर्मा गर्म खानी है तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे खोलना है आपने और कैसे खाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। खोलना तो मैंने हमेशा आपको बताया बिरयानी कैसे खोल के खाई जाती है, ये देखिए एकदम बढ़िया, ठीक है। आह क्या बात, लुक एट दिस ब्यूटिफुल फ्लेवर, देखिए मज़ेदार। आह दिस इज टू गुड, दाने सॉफ्ट है बिल्कुल और मज़ेदार अलग है। वैसे ये बिरयानी गिल्ट फ्री बिरयानी है, मतलब इसमें प्रोटीन है, सुपर फूड है और सुपर मज़े से खाइएगा।